यदि योगी आदित्यनाथ वास्तव में साधु है और भारत सरकार और मोदी सरकार और योगी सरकार कहती है कि हमने गौशालाएं बनवाई, हमने गाय के लिए सब कुछ किया, तो फिर राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं कर देते ताकि सारी दुनिया को दिखाई दे कि इन्होंने कुछ किया। ये तो खुद गायों को कटवा रहे हैं, इन्हीं के बूचा खाने इनकी आई हो गई। सबसे ज्यादा हम किसानों को योगी जी ने एक तकलीफ सबसे ज्यादा दिए है, जो जानवर छुट्टा कराए हैं, बूचड़ खाना बंद किए हैं, बाजार बंद किए हैं, उसमें किसान की फसल जा रही है, बहुत रुक गया है ना, खुश होना चाहिए। किसान की फसल जा रही है और किसान भूखा मर रहा है, और किसान की जो कमाई थी, जो हम लोगों की कमाई थी, उसका एक बछड़ा हम करीब करीब बहुत कम बेचते थे 5,000 का, वो हमारी पूंजी चली गई है, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, तो हम नहीं चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार दोबारा फिर गौ हत्या की बात कर रही है, तो गौ रक्षा दल बन रहे थे सरकार ने नियम बनाया। मैं मानती हूँ कि ये गौ हत्या बंद करवाया, अच्छा काम किया, लेकिन इसके लिए इसके पास वो तो नहीं, भिखमंगा तो नहीं है, कहीं गौशाला बनवा दे, कहीं पल्ला पल लगवा दे, चार फट्टे की व्यवस्था करा दे, तब मैं जानू ये योगी बड़ा पुजारी है गौ माता का, बैल बप्पा का, बनाए तो है गौशाला बनाए, बनाया जनता को यार, मीडिया वाले ले जाए, जितने जितने पशु हैं मीडिया वाले ले जाए, गौशाला जमीन पे गौशाला नहीं बने हैं, कागज पे ये बने हैं, बता दिया यहाँ पे इतना बनना है, उन्हीं के लोगों ने पैसा निकाल लिया, हम लोगों ने बहुत जगह देखा, कहीं गोरू लेकर गए हम बंद करिए गौशाला बनाए हैं, लेकिन कहीं जमीन पे हमें गौशाला नहीं दिखा रहे हैं। केवल गाय की पूजा, गाय को माता मानता है, केवल गाय की पूजा, और सारे किसान भूखे मर रहे गाँव में, और सारे इंसानों को मार देते हैं, चट्टी जाए उड़ते हैं तो उसको मारते हैं, और जो उसको कोई मार दे तो उसके पुलिस मुकदमा दर्ज, उसका मुकदमा दर्ज, गाय मर जाए अपना फिर भी पुलिस जाते हैं मुकदमा दर्ज। अच्छा एक बात बताओ, मैं पूछना चाहता हूँ, यदि योगी आदित्यनाथ वास्तव में साधु है और भारत सरकार और मोदी सरकार और योगी सरकार कहती है कि हमने गौशालाएं बनवाई, हमने गाय के लिए सब कुछ किया, तो फिर राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं कर देते ताकि सारी दुनिया को दिखाई दे कि इन्होंने कुछ किया। ये तो खुद गायों को कटवा रहे हैं, इन्हीं के बूचा खाने इनकी आई हो गई। सरकार ने 5 साल में कुछ अच्छा काम नहीं किया है क्या? नहीं किया कुछ अच्छा काम, हमारे उत्तर प्रदेश में पता नहीं कितने बलात्कार होते हैं, दिन में बहु बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, उनकी लाश रात में फुकवा दी जाती है।